स्थित राजपूत धर्मशाला में छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। राजपूत सभा के प्रतिनिधि ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि जिन छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए उन्हें वे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया है। रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला में हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा 19वां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत की। वहीं राजपूत सभा के प्रतिनिधि ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों तथा नौकरी खेलों आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि राजपूत सभा द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समारोह का आयोजन किया गया है ताकि सम्मानित हुए छात्रों को देकर और बच्चों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा उत्पन्न हो। ठाकुर विक्रम सिंह, राजपूत प्रतिनिधि सभा का वार्षिक उत्सव है। इस दिन राजपूत प्रतिनिधि सभा क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों को, छात्राओं को, मेधावी जो रहे हैं इस वर्ष, उनको पारितोषिक वितरण करती है, उनका सम्मान करती है, जिससे समाज के और भी प्रतिभाशाली छात्र उनको देख के आगे बढ़ें और उनको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले। और राजपूत प्रतिनिधि सभा सामाजिक कार्य करती रहती है, हर प्रकार के उसी कामों में से ये काम भी है। हर वर्ष यह है वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, पारितोषिक वितरण किया जाता है। आज का हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा जिला भिवानी का 19वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का काम किया है और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जो कि नेशनल लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। इसके अलावा समाज में उच्च कोटि के पदों पर जो आसीन हुए हैं, तहसीलदार के पद पर लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह जो आसीन हुए हैं उनको भी सम्मानित करने का काम किया है। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की तरफ से जिला भिवानी के जो राजपूत समाज के बच्चे, जो होनहार बच्चे जिन्होंने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में या किसी अच्छे जैसे डॉक्टर बने हैं, जैसे हमने अजीत सिंह जी के पोते हैं, इसी तरह जो सीए बने हैं, जो एचसीएस में आए हैं, जो दो बच्चे नायब तहसीलदार बने हैं, उन सभी होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया है इसे प्रतिभा सम्मान समारोह के अंदर। बीते दिनों गोवा लिंक एक्सप्रेस में भिवानी के रहने वाले रोहित की हत्या के मामले में सर्व समाज एवं परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए शहर में कैंडल मार्च निकाला। उनका कहना था कि रेलगाड़ी में जीआरपी कर्मचारी यात्रियों की सुरक्षा का कतई ध्यान नहीं रखते। यात्री रोहित ने अपनी हत्या को लेकर 20 से 25 मिनट तक महिला अधिकारी व अन्य लोगों से बातचीत भी की, लेकिन इन कर्मचारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। बीते दिन भिवानी निवासी के गोवा लिंक एक्सप्रेस में अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई हत्या इस बात की पोल खोलती है कि रेलगाड़ी में जीआरपी कर्मचारी यात्रियों की सुरक्षा का कतई ध्यान नहीं रखते। रोहित के केस में अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती तो जरूर रोहित की जान बच सकती थी, लेकिन उसकी अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं आज रोहित को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के द्वारा शहर भर में कैंडल मार्च निकाला गया ताकि दोषियों को सजा मिल सके और रोहित के परिवार को न्याय मिले। पुणे से निजामुद्दीन दिल्ली आ रहा था, उसकी बीच में पता नहीं मेरे पास उसको रिकॉर्डिंग है, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शायद नहीं की और इसलिए मैंने आज ये कैंडल मार्च, और इसको मैं यही विराम करता हूँ। मेरी प्रशासन से दुआर है कि इन बच्चों की तरफ देख के मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूँ कि जो जितना भी प्रशासन पे हो सके उतनी मेरी हमदर्द के मदद कर। ये हमारे वार्ड नंबर 28 का एक होनहार बच्चा था। कारण क्या था कि वो इंटरव्यू के लिए वहाँ पूना गया हुआ था, मीटिंग के लिए उनको सम्मानित किया गया था वहाँ पे पूना में। वो तो वापसी आ रहा था तो दो लड़के और एक लड़की उसकी बोगी के अंदर थे, उसने उनसे झगड़ा हो गया, बिन बात झगड़ा कर लिया उन्होंने, लड़कों ने, और उन्हें साथ की साथ टेलीफोन लगाया प्रशासन के पास। प्रशासन कहने लगी कहाँ करें आप, कहाँ पे हो आप, वो बात टालने के लिए हमारे पास बेटे की उसके अंदर मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग है, अगर प्रशासन सुनना चाहे तो प्रशासन को सुनाएंगे हम, लेकिन हमें मिलना चाहिए न्याय। होता था और वो जा रहा था मंगलवार को, पुणे गया था, डॉक्टरों की मीटिंग थी,
और उसको हमने रस्ते में आती आनी तीन बंदे ने मार दिया और छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, 2 साल की लड़की है, 4 साल का लड़का है। हमें इंसाफ चाहिए या उसकी बहन, एक भाई है उससे छोटा, हमने इंसाफ चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहिए। भिवानी में कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद एक और गाय द्वारा उत्पात मचाए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय महम रोड स्थित बोस्टिंग स्टेशन नंबर 2 पर एक आवारा गाय के पागल हो जाने के कारण उसने कॉलोनी में उत्पात मचा दिया और 1-2 युवकों को घायल भी कर दिया। सूचना मिलने पर गो रक्षा दल ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद गाय को काबू कर लिया और उसे बांध कर ले गए। महम रोड स्थित बोस्टिंग नंबर 2 पर एक आवारा गाय के पागल हो जाने के कारण आसपास भयंकर उत्पात मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह बोस्टिंग नंबर 2 पर जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पागल गाय को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गाय उनकी पकड़ में नहीं आई तथा कॉलोनी में उत्पात मचाती रही, जिसकी वजह से 1-2 युवकों को चोटें भी आई। वहीं मौके पर पहुंची गोरक्षा दल टीम ने बहुत मुश्किल से गाय पर काबू पाया। वहीं उन्होंने बताया कि हमें फोन पर सूचना मिली कि नई बस्ती कॉलोनी के पास आवारा गाय पागल हो गई, जिस पर उन्होंने मौके पर आकर काबू पा लिया। तो मैंने देखा ये जो गाय है पागल हो रखी थी, मुंह से जोर फेंक रही थी और बार बार सभी लोगों को मारने के लिए जा रही थी। तो मैंने DC ऑफिस में फोन किया प्रशासन में, लेकिन उन्होंने कहा कि आप संजय परमार के पास फ़ोन करो या फिर हम कमेटी के अंदर फ़ोन करो। और उसके बाद मैंने फ़ोन मिलाया तो उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है, ठीक है। और ये जो पशु है आवारा पशु है, इससे काफ़ी लोगों को चोट फेट कर देती है और कुछ बच्चे भी हर लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। बाद में संजय भाई से मेरी बात हुई तो संजय भाई ने अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे और बाद में उस गाय को हमने बांधा है। भाटी भाई साहब का फ़ोन आया था कि यार फायर ब्रिगेड के सामने एक गाय पागल हो रही है, तो हमने आड़े आके देखा तो काफ़ी भयंकर अवस्था में थी, काफ़ी लोगों को ने भगा रखा था। हमने 2 घंटे के काफ़ी प्रयास के बाद इसको पकड़ा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे कोई आगे ऐसी कोई आए तो प्रशासन आए इनको पकड़ने के लिए। मैम रोड तो ये है ना, आवारा पागल हो रही थी और सुबह 6 बजे का मैं इसके पीछे लग रहा हूँ या घूमने वाले इनको टक्कर मारने की सोच चल रही थी। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भिवानी और आसपास के इलाकों में एकाएक छाया कोहरा, थमी वाहनों की रफ्तार, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। भिवानी में किया गया 35वां राहगीरी कार्यक्रम आयोजित, तादाद में लोगों ने की शिरकत, लोगों को ऊर्जा संरक्षण का दिया संदेश। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, सैकड़ों छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया सम्मानित। रोहित को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज द्वारा शहर भर में निकाला गया कैंडल मार्च। आवारा गाय के पागल होने पर मचा उत्पात, कॉलोनी वासी हुए परेशान, गोरक्षा दल टीम पहुंची मौके पर। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।